प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में ई गवर्नेंस पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एवं पब्लिक ग्रीवेंसेस तथा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर से जम्मू एंड कश्मीर सरकार के साथ मिलकर इस 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद देश में अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार के मंत्र के आधार पर नए शासन मॉडल को पेश किया है, जिसका उद्देश्य नई तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार तकनीक को शासन के प्रत्येक पहलू में शामिल करके समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिकों उद्योग को सरकार को निकट लाने के विषय पर आयोजित इस सम्मेलन पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि शोधकर्ताओं शिक्षाविदों उद्यमियों तथा स्टार्टअप के आपसी तालमेल से ही भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल नवाचार अगले दशक में भारत को डिजिटल रूप से सशक्त करने व एक मजबूत अर्थव्यवस्था में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दो दिवसीय सम्मेलन में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों और दिग्गजों से उन सवालों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया जो भारत को अगले दशक में तेज विकास के लिए प्रेरित करेंगे। On whom we have to focus, because they have the privilege given by Almighty to be the architects of Century India of 2047. So I'm sure the inferences or conclusions which are drawn from this conference will be of help of to us to carry forward this mission, because we are doing it very passionately, not simply as a conference, but we are doing it more as a mission, a life's mission, to prove to the world that this could be also a different way of working that we could perform. So thank you very much, and I.